मथुरा वृंदावन में हर ओर राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। यहाँ के कणकण में राधा और कृष्ण के प्रेम का वास है। आज हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ भगवान कृष्ण अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजमान रहते हैं। यह मंदिर बेहद प्राचीन है। वैसे तो रासलीला का स्थान निधिवन को माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण राधा सहित अपनी अष्ट सखियों के साथ यहाँ पर महारास किया करते थे। ठाकुर जी राधा रास बिहारी सखी महाराज हैं, ये अपनी आठों सखियों को साथ लेकर राधा रानी के साथ विराजमान हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें राधा रास बिहारी अष्ट सखी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि भगवान आठों सखियों के साथ रास की मुद्रा में हैं। भगवान सखियों के साथ रास करके राधा रानी के साथ विराजमान होकर भक्तों को सुख दे रहे हैं। यह स्थान बेहद दिव्य और अलौकिक है। यह स्थान भगवान की अष्ट सखियों को समर्पित है जहाँ भगवान राधा सहित रासलीला किया करते थे। इस स्थान का वर्णन न सिर्फ किताबों में बल्कि ग्रंथों में भी किया गया है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि आज भी विशेष अवसरों पर यहाँ पर पायलों और मधुर ध्वनि सुनाई देती है जो बेहद दिल को छूने वाली होती है। आज भी यहाँ भगवान कृष्ण की मौजूदगी का एहसास भक्तों को होता है, तभी तो भक्त देश विदेश से सीधे यहाँ खिंचे चले आते हैं। आज भी इस स्थान को भगवान कृष्ण और उनकी सखियों की रासलीला स्थली माना जाता है।